हाय फ्रेंड, मैं इंसान एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं इस पे, और ग्रामर से लेकर के लिटरेचर तक की प्रैक्टिस सीरीज आपको मिलेगी इस पे। इसके पहले हम लोगों ने द एज ऑफ शेक्सपियर, द एज ऑफ मिल्टन पे हमने प्रैक्टिस सीरीज चलाई हुई है, और आज हम लोग लिटरेचर की पोर्शन से लेने वाले हैं सीरीज के नाम पे प्रैक्टिस ऑन लिटरेचर फॉर्म्स एंड टर्म्स। ये कह सकते हैं कि लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के बारे में हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द टीजीटी एंड पीजीटी, और साथ ही साथ ग्रामर के भी पॉइंट के भी आपको सीरीज मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के लिए। और एक और भी इम्पोर्टेंट मैंने इसमें जोड़ रखा है, जैसे कि वो डेली यूजेज इंग्लिश का है, यानी कि आप डेली यूजेज इंग्लिश वाला भी सीख सकते हैं, ग्रामर से भी जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं, और लिटरेचर से जुड़े हुए भी आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस सीरीज आपको मिल जाएगी। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि आपको ऑल टाइप्स वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल टाइप्स ऑफ वीडियो का आप वॉच करें और अपने बेनिफिट्स को गेन करें। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं, हम लोग यहाँ पे ज्यादा बात न करते हुए तुरंत आते हैं, देखते हैं कि जो हमारा लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स होता है, इससे भी आने वाले क्वेश्चन है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग ले लेते हैं डे वन, इसकी पहली शुरुआत आज, ठीक है। तो डे वन में अगर हम लोग बात करें, वो भी खास करके लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के बारे में, तो देखिए सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पे पूछा गया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि द पोएट हु डिस्क्राइब पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज, ये नहीं कह रहे हैं कि द पोएट हु डिस्क्राइब, कौन वह कौन सा कवि है हु डिस्क्राइब जिसने वर्णन किया पोएट्री, पोएट्री यानी काव्य को एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज, यानी कि वो इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स के रूप में किसने इसको इंस्पायर्ड किया हुआ है। तो वो कौन सा पोएट हमारा है जो ये कहता है कि इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, किसको, पोएट्री को, पोएट्री को ही उसने मान लिया इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, तो ये बताना है। टीएस एलियट आपके सामने है, हॉपकिंस हैं, आर्किबाल्ड है, आर्किबाल्ड, मैकलेइस, एज्रा पाउंड, तो बताना है ये आपके पास चार ऑप्शन है और इन चार में से कौन वो पोएट है, ठीक है। उम्मीद है कि आप बढ़िया बता ले जाएंगे क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। 5 सेकंड आपको मिल जाते हैं ताकि आप आसानी से अपने ऑप्शन तक पहुंच सकें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बेहतर करेंगे क्योंकि ये रिपीटेड है और आपको बहुत ही ज्यादा एक्टिव है फॉर द यूटिलिटी पेज। तो चलिए आपका 5 सेकंड होता है समाप्त, और 5 सेकंड जब होता है समाप्त तो हम कर लेते हैं कुछ अच्छी बात और अपने ऑप्शन को कर लेते हैं, ठीक। हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो ये वाली बातें जब भी नजर आएंगी इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स के, तो आपको कहना पड़ेगा एज्रा पाउंड कहना पड़ेगा, यही वो पोएट थे जिन्होंने पोएट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स के रूप में बोला है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज, ये कहते हैं कि द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज, कहने का मतलब ये हुआ कि अरिस्टोटल के अनुसार जो ट्रेजेडी की आत्मा है वो क्या है, इसे कहा जाता है। वैसे अरिस्टोटल ने मुख्यतः ट्रेजेडी के 6 पॉइंट माने हैं, अब उस 6 में से उनने सोल किसको कहा है, 6 कौन कौन सा है कोई बताए, 6 कौन कौन सा है, ये प्लॉट है, कैरेक्टर है, थॉट है, और फिर स्पेक्टिकल्स है, सॉन्ग्स है, तो इस तरीके से, और एक फिक्शन, प्लॉट, कैरेक्टर, फिक्शन, स्पेक्टिकल, सॉन्ग्स, इस तरीके से उनके 6 मतलब कैरेक्टर बन जाते हैं। थॉट्स भी है, हाँ ये लीजिए, देखिए 4 तो ये हैं, थॉट है, कैरेक्टर है, प्लॉट है, एक्सपेक्टेबल्स है, इसमें से जो नहीं है उसमें से है वो आपका फिक्शन है, ठीक है।
और एक जो नहीं है वो है म्यूजिक, मतलब क्या है, सॉन्ग नहीं है, तो छह तो है, छह में से कौन सा उनका सोल ऑफ ट्रेजेडी कहलाएगा। तो सोल ऑफ ट्रेजेडी जो होता है, देखिए प्लॉट है, किसे कहते हैं, प्लॉट को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है भैया, आपका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, प्लॉट को ही कहा जाएगा ट्रेजेडी ऑफ सोल अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अब चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन पर। अ मीटर इन विच एन अनअसेंटेड, अ मीटर इन विच एन अनअसेंटेड सिल्वेल प्रेसीड द एक मिनट प्रेसीड द असेंटेड सिल्वेल, प्रेसीड द असेंटेड सिल्वेल हो जाएगा। तो ये बताना है कि एक जो अनअसेंटेड सिल्वेल होता है वो प्रेसीड होता है बाय बाय द असेंटेड, यहाँ पे बाय छूट गया होगा, हाँ, तो बाय द असेंटेड हो जाता है सिंपल। तो इज कॉल्ड क्या कहलाता है, कहने वाला कि एक अनस्ट्रेस कह दीजिए या अनअसेंटेड कहिए जो सिलेबस है, अगर वो फॉलोड होता है या प्रेसिस्ट होता है बाय असेंटेड, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आईएमबी। कौन सा कहते हैं, आईएमबी कहते हैं, कौन सा सिलेबस हो जाएगा भाई, वो मीटर क्या है, आईएमबी। यहीं पर अगर एक असेंटेड हो जाए और दूसरा अनअसेंटेड हो जाए तो हो जाएगा डक्टाइलिक, क्या हो जाएगा, डक्टाइलिक। यानी आईएमबी और डक्टाइलिक एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो याद रखेंगे कि अनअसेंटेड से शुरू हुआ है तो आईएमबी है और असेंटेड से शुरू हो जाएगा तो डक्टाइलिक हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन होता है सही। अब ले लेते हैं नेक्स्ट वाला नंबर हमारे पास क्या, फोर, और फोर वाला देखते हैं क्या। ये कहता है भाई कि द स्टेंजा ऑफ एट आईएमबिक पेंटामीटर्स ऑन द पैटर्न ऑफ ए बी ए बी ए बी सी सी इज नोन एज, यानी कि जो आठ लाइन का हमारा होता है स्टेंजा और राइम इसकी है ए बी ए बी ए बी और सी सी, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि इसे हम क्या कह सकते हैं। अब देखिए ये है राइम रॉयल और ये है ओटवारीमा और ये है टेंसरियन स्टेंजर्स और स्पेंसरियन स्टेंजर्स है, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मिल सकता है हमें। तो यहां देखिए इस चीज को पकड़ने के लिए जो है आपको यहां देखना है कि अगर ये एट लाइन कहता है, क्या कहता है, एट लाइन अगर ये कहता है तो आपको समझने की आवश्यकता है यहाँ पे, एट लाइन कहता है तो ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बता दू, यहाँ पे एक कोड ले सकते हैं एस आर ओ एस, क्या है एक अच्छा सा पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहरहाल स्पेस तो यही है थोड़ा सा। देखिए एस आर ओ आर मतलब ओ एस, एस का मतलब यहां सबसे पहले लीजिए सिक्स और दूसरे का लीजिए सेवन और इसका लीजिए एट और इसका लीजिए नाइन। तो ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा अभी कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक, कि सबके पीछे मैंने लिख दिया भाई एस सिक्स है सेवन है एट है जो भी है। पहला एस देखो है एस पर सिस्टेड, सिस्टेड में लाइन कितनी आएंगी, छह है ठीक है, और आर से बनता है राइम रॉयल तो मतलब इसमें कितने आएंगे, सात आएंगे लाइन, और ये है ओ से ओटवा रिमा जिसमें लाइन की संख्या कितनी होगी, आठ होगी। आप देखो ये एस है जिसको बोलता है नाइन, तो ये होगा एस पर स्पेंसरियन स्टेंजा, जब स्पेंसरियन स्टेंजा की बात होगी तो लाइन कितनी हो जाएगी, नौ। तो इसे याद रख सकते हैं एस आर ओ एस
और नंबर बेबीजे 6, 7, 8, 9। तो दिस कोड विल बी वेरी हेल्पफुल टू जस्टिफाई स्टैंजर्स एंड लाइंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली हम कह सकते हैं O फॉर 8 है और 8 ही लाइंस की बात है, स्टैंजा 8 लाइन। ठीक है, 8 टाइम के पेंटामीटर, तो कौन सा हो जाएगा आपका ओटवा रिम, कौन सा होगा ओटवा रिम। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है ये। ठीक, अब ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर की बात। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, 5 पेरिपेसिया। ये कहता है कि पेरिपेसिया मींस क्या होगा, पेरिपेसिया का मतलब क्या होगा। तो यहां देखेंगे परगेशन ऑफ इमोशन, बी कहता है ट्रेजिक फ्लॉ, सी कहता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून और डी कहता है रिकग्निशन ऑफ एरर, रिकग्निशन ऑफ एरर। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास पूरे हैं 4 और सेलेक्ट करना है करेक्ट वाला, आपको मिल जाते हैं 5 सेकंड ताकि आप अच्छे से कर सके सेलेक्ट और अपना आंसर बेस्ट दे सके। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और राइट ऑप्शन को तो चूज कर ही लेंगे, है ना, डरना किस बात का है, करना तो नहीं। चलिए करके दिखाइए, मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। तो बिना देर के मैं आपको ऑप्शन तक ले चलता हूं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है, देखिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है ये, जहां आएगा पेरिपेसिया की बात है वहां हमें ऑप्शन ठीक कर लेना पड़ेगा। क्या रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, क्या सही करना पड़ेगा, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हमारा ऑप्शन वहां पे सही हो जाएगा। अब मैं कहता हूं बात यहां पे गायनो क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन, गायनो क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन को बताना है भाई, किसको बताना है, गायनो क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन, यानी कि जो ये गायनो क्रिटिसिज्म है फोकसेस ऑन किस पे फोकस करता है। देखिए क्रिटिसिज्म ऑफ वुमन, क्रिटिसिज्म बाय वुमन, क्रिटिसिज्म ऑफ मेल राइटर्स, वुमन एज राइटर्स, तो 4 ऑप्शन आपके हैं, आपको कर लेना है विचार होगा कौन सा सही है ना, करके बताइए। उम्मीद है सही करेंगे, बेहतर ही कर पाएंगे, बढ़िया करेंगे भाई। चलिए देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन तक तो पहुंच गए होंगे, है ना, तो मैं आपको ठीक करा देता हूँ, मतलब करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ ताकि आप भी कॉन्फिडेंस में आ जाओ। देखो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, तो ये सही होने वाला है जब ये गाय को क्रिटिसिज्म फोकस कराने की बात है ना, तो वीमन एज राइटर्स, तो ये हो जाएगा आपका वीमन एज राइटर्स वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में जस्ट, ठीक है, देख हाय फ्रेंड, जैसा कि अभी हम लोगों ने नंबर 6 वाले क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, तो अब उससे आगे हम कर लेते हैं नंबर 7 वाला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नंबर 7 का क्वेश्चन है, ये है अ बैलेट इज, ये पूछ लिया है कि अ बैलेट इज अर्थात बैलेट क्या होगा, ये हमें बताना होगा कि बैलेट किसे कहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि बैलेट किसे कहते हैं, बिना देर के भी चलते हैं। अ शॉर्ट पोयम नैरेटिव टेल, क्या बैलेट को ये कहा जा सकता है कि शॉर्ट पोयम नैरेटिव टेल, या ये कहा जा सकता है अ पोयम रिटन ऑन समबडीज डेथ हो सकता है, अ प्रेयर अ प्रेयरल सॉन्ग हो सकता है, अ मैरिज सॉन्ग हो सकता है। ये पूछ रहे हैं कि आखिर अ बैलेट, हाय फ्रेंड, अभी भी जैसा कि हम लोगों ने अभी 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है, वो भी रिलेटेड टू लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स है। हम लोग अब आगे चलते हैं और लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा 7। अब देखते हैं कि हमारे पास 7 में क्या आता है और क्या चीज रहता है। तो 7 यहाँ आपका इस प्रकार है कि अ बैलेड इज, ये पूछ रहा है कि अ बैलेड इज, बैलेड क्या होता है और मतलब बैलेट किसे कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं बैलेट के डिस्क्रिप्शन के लिए, यानी ये कह दिया जाए कि बैलेट के डेफिनेशन के लिए, तो उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल होगा ये हमें फाइंड आउट करके बताना होगा। तो चलिए देर किस बात की है, सर्च करते हैं। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट वन ये कहता है
फर्स्ट वन यहाँ है आपका जैसे ए है और यहाँ कहता है ये कि असार्ड, यानी फर्स्ट वन की अगर बात करें तो ये कहता है असार्ड पोयम नरेटिव टेल, और असार्ड पोयम नरेटिव टेल कहता है। फिर क्या है कि अ पोयम रिटन ऑन समबडीज डेथ होता है, या ये फिर कहता अ प्रेयर सॉन्ग, मतलब अ प्रेयर सॉन्ग हो जाएगा। अब ये फिर कहता है कि मैरिज सॉन्ग होगा, तो ये कौन सा होगा यहाँ पे ऑप्शन सुटेबल ये हमें बताना है। तो करना किस बात का दे रहे, सोचते हैं और समझते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन को करेक्ट कर ही लेंगे, क्योंकि ये बैलेट काफी पॉपुलर है और ये चीजें इम्पोर्टेंट भी आती हैं, और ये प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में कई बार ये रिपीटेड हो चुका है, तो जिसे हमें ध्यान में रख लेना चाहिए। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो ये लिया जाएगा कि असार्ट पोयम नरेटिव टेल, यानी इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही होता है ए वाला। कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही होता है आपका ए। चलिए तो आप 7 नंबर क्वेश्चन को सही कर लिए हैं, तो अब ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो होगा हमारा होगा वो 8। तो क्यों करना है लेट, क्वेश्चन नंबर है 8, देखना है क्या होता है। यहाँ ये पूछ रहा है 8 नंबर पे कि अ लिरिक इज, फिर यहाँ पे डॉट कर दिया है, मतलब वो ये पूछना चाहता है कि लिरिक किसे कहते हैं, लिरिक की परिभाषा क्या हो सकती है, लिरिक की डिफिनेशन क्या हो सकती है, हमें ये बात जानने की जरूरत है। तो चलिए ध्यान में रखते हैं यहाँ पे कि अ लॉन्ग पोयम इज रिटन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, कहता है कि अ लॉन्ग पोयम इज रिटन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस होता है, या वो बी कहता है बी वाले पे देखिए कि अ पोयम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, यानी ये क्या बोला कि अ पोयम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड होगा, या ये कहता है कि अ शॉर्ट पोयम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंशन पर्सनल फीलिंग होता है, या ये कहना चाहता है कि अ ट्रायंफल सॉन्ग होता है। ये रहा आपके सामने चार ऑप्शन, इसमें से बताना है कौन लिरिक के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, यानी लिरिक जो पूछा गया है उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन हो सकता है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपना ऑप्शन बेस्ट वे से सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ये भी पॉपुलर की श्रेणी में शामिल है लिरिक, और रिपीटेड क्वेश्चनों के भी लिस्ट में शामिल है, तो इट मस्ट बी नोन, ये अवश्य जाना जाना चाहिए। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन तक पहुंच ही गए होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ लिरिक क्या चीज है। लिरिक वही है सीधे सीधे कि ये शॉर्ट पोयम है इन विच पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग। तो इस प्रकार से हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा करेक्ट। कौन वाला हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट नंबर हमारा है 9। अब 9 में क्या लिखा हुआ इसको देखेंगे। ये कहता है कि द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड्स इट द एटीट्यूड्स ऑफ एम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न स्कॉर्न। अब ये बताना है कि अगर लिटरेरी आर्ट है, ये कला है ऑफ डिमिनिशिंग सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को डिमिनिश करने का, एंड मेकिंग इट रिडिकुलस मतलब उसका थोड़ा हंसी मजाक बनाना, एंड इवोकिंग टुवर्ड्स और उसे उकसाना एटीट्यूड ऑफ एम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न स्कॉर्न, क्या खेला है? तो क्या ये चीज एलिग्री है, क्या ये मेलो ड्रामा है, क्या ये पैरोडी है, क्या ये सटायर है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये बताना है कि जो मेकिंग इट रिडिकुलस योकिंग टुवर्ड्स इट क्या होता है, एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट क्या कहलाता है। तो डियर फ्रेंड ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे बहुत ही इजी है। चलिए तो मैं आपको ले चलता हूँ करेक्ट ऑप्शन की तरफ।
तो ये देखिए, ये सारी बातें जो ट्रेविंग आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रेडिकुलस एंड योकिंग टुवर्ड्स इन द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न स्कॉर्न की बात अगर करें तो ये वाली बात हमारी होती है पैरोडी में, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही होता है सी वाला सही होगा। ठीक है, अब ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर। हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? हमारा नेक्स्ट नंबर ये है कि एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेंट्स। तो कहने का मतलब कि जो एक हमारा आयम्बिक पेंटामीटर होता है वो कितनी लाइंस को कंटेन करता है, यानी वो कितनी लाइन को रखता है, ये बात हमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेंट्स। तो मैं बताऊं, यहाँ पे फोर ऑप्शन है, 5 फीट है, 7 फीट है, 9 फीट है और 6 फीट है। तो यहाँ पे देखिए फीट्स तो दिए हुए हैं, आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना बेस्ट वाला। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ सीधे सीधे ऑप्शन कहता है भैया पेंटा, क्या बोला है पेंटा, और पेंटा का मतलब होता है 5। क्या होता है पेंटा का मतलब 5 होता है। तो अब आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आप 5 वाले पे आप चले जाएंगे। ये रहा आपका 5 वाला ऑप्शन, 5 फिट, यानी जब भी पेंटामीटर की बात आएगी तो 5 याद रखें कि पेंटामीन्स होता है 5, और आपको ऑप्शन चूज करने में हो जाएगी बहुत आसानी, जैसे कि हो जाएगा पेंटामीटर यानी 5 फिट। अब हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर, और डे वन हमारा जो है लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स का डे वन हमारा रहेगा, और उसका लास्ट क्वेश्चन क्या है वो इस प्रकार है कि बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट क्या होगा, बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट क्या होगा ये हमें देखना होगा। तो चलिए देर इस बात के देखते हैं, पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है यानी बी वाला ऑप्शन है इटली। कौन वाला है देखिए, बी वाला ऑप्शन है इटली, और सी वाला है फ्रांस, और डी वाला है ग्रीस। तो ये पूछना चाहता है कि इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपको समझना है और बताना है। तो मैं बताऊं आपका यहाँ पे कि जो बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट रहा है वो इटली से चल के आया है, जैसे कि आपने सुना होगा पेट्रार्कन जो हमारे फर्स्ट फादर ऑफ सोनेट कहे जाते हैं, बिकॉज हू गेव द परफेक्ट शेप ऑफ सोनेट, तो वही देने वाले थे पेट्रार्कन, और दैट वाज रिलेटेड टू द इटालियन, मतलब इटली, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं इटालियन पोएट कहते हैं। और यही वजह है कि हमें ये मानना पड़ता है कि सोनेट का जो बर्थ प्लेस है वो इटली है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाता है इटली। कौन सा सी होगा? इटली अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग ये लिटरेरी फॉर्म्स एंड जो टर्म्स की बात करें तो डे वन हमने कर लिया है कंप्लीट, और इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत पसंद आए होंगे, स्पेशली फॉर टीजीटी एंड पीजीटी बोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को यानी इस सीरीज को कंटिन्यू वॉच करें ताकि आपका लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे ढंग से हो जाए। चलिए तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।